इच्छाधारी राहु का आपकी कुंडली में प्रभाव। नमस्कार, आज हम जानते हैं राहु के बारे में। राहु के बारे में जानना इतना आसान नहीं जितना कि दूसरे ग्रहों के बारे में जानना समझना आसान है। इसका नाम इच्छाधारी इसलिए रखा है क्योंकि यह राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी जुनून तक जा सकता है, जिसके अंदर कुछ पाने का जुनून है, जो खुद को इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। वह हर तरह के साम दाम दंड भेद को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। जैसे कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब जाया जाए, उसी तरह राहु जब खेल खेलता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तो अपनी इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए तब उसके लिए सभी नियम राहु के ही बनाए हुए होते हैं और उसके नियमों में सब जाया जाए। राहु अच्छे बुरे में कभी भेद नहीं करता, इसलिए वह धर्म के खिलाफ भी चलता है, जिससे आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ भी बताया गया है और माया का गुलाम कहा गया है। कुंडली में राहु के पिछले जन्म के कर्म बंधनों को दिखाता है। राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ होना बंधन और समस्याएं भी अलग अलग दिखाता है। राहु भ्रम देता है और अपनी उपस्थिति का बोध बिना किसी प्रमाण के भी दे सकता है। बड़े बड़े योद्धा और परमवीर चक्र को पाने वालों की कुंडली में राहु बहुत स्ट्रोंग होता है। राहु एक स्वार्थी ग्रह भी है, जिससे इसके बहुत से शत्रु भी होते हैं। राहु को हमेशा आजादी चाहिए, यह हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ दोस्ती करता है। राहु और केतु अन्य ग्रहों की तरह मार्गी नहीं चलते, यह हमेशा वर्गी वक्री यानी कि उल्टा चलती है। राहु का मुख्य गुण छल, कपट, धोखा, दिखावा, धूर्तता, अति बुद्धि और चालाकी भी है। माना जाता है कि राहु के प्रभाव में लोग दार्शनिक, साहित्यकार, वैज्ञानिक, रहस्यमय विद्याओं, अपना कॉन्फिडेंस और बहादुरी वाले काम करने वालों में ही रुचि लेते हैं। अपने इसी गुणों के प्रभाव से राहु का प्रभाव कलयुग में बहुत बढ़ गया है। राहु संसार के जटिल विषयों रहस्यों के बारे में जानकारी देता है। यदि कुंडली में राहु की स्थिति शुभ है तो जातक को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होता है। राहु के शुभ होने से जातक की कल्पना शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है, वे सामने वाले के मन को पढ़ लेता है। राहु का काम जीवन में भय और तनाव की स्थितियों को बढ़ाना है। अचानक कोई घटना होना जो वास्तविकता के अलावा भ्रम में डालने वाली होती है, राहु के स्वभाव के कारण ही होती है। राहु किसी सीमा को नहीं मानता है, वह सभी परंपराओं को तोड़ना जानता है। राहु आध्यात्मिक जिंदगी की तरफ भी मोड़ देता है, क्योंकि जब जातक बहुत ही भौतिकता की तलाश में भटक जाता है, थक जाता है, तब वह फिर ईश्वर की खोज के लिए निकलता है। राहु जिस ग्रह के साथ रहता है, अगर वह ग्रह मजबूत है तो उस ग्रह की नेगेटिव गुणों को बढ़ाने के बजाय उसके पॉजिटिव गुणों को बढ़ाता है। राहु प्रधान वाले लोग बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। यह कलयुग का राजा ग्रह है। भौतिक संपत्ति के पीछे अंधी दौड़ लगाने वाला राहु धोखा करने में शर्म नहीं करता है और सामने से ही मुंह पर धोखा देता है और रोब से कहेगा कि मैंने तो ये किया है। राहु की दशा में चलता हुआ काम अचानक रुक जाता है, रुका काम अचानक चलने लग जाता है। इसी तरह से इस राहु के फल ऐसे हैं जो हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज हमने राहु के बारे में कुछ ऐसा जाना। हम अपनी आगे की वीडियो में भी राहु के बारे में बहुत कुछ जानने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। आप फिलहाल अभी ही विश्राम देते हैं। हम अपनी नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम अपने नए विषय के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए।